हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। और चैप्टर 3 क्या है? इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है आपके सामने, टेस्ट स्क्रीन में देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन है। पहला तो आपका कंट्रीज एंड कैपिटल, करेंसीज और मोनूमेंट्स के बारे में पढ़ना है, रिलीजन्स के बारे में पढ़ना है, ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जो हैं उनके बारे में पढ़ना है, फ्लैग्स के बारे में पढ़ना है, नेशनल सिंबल के बारे में पढ़ना है और इंडिया एंड द वर्ल्ड। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड फेमस मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन मैक्सिको। तो मैक्सिको में आपका कौन सा मॉन्यूमेंट्स है? तो इसका नाम है चिनचिन इट्सा। क्या नाम है? चिनचिन इट्सा। और स्टोन हिंज जो है आपका, ये आपका कहाँ पे है? यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, लंदन में है। नेक्स्ट है आपका बोरोबुदर टेम्पल। तो बोरोबुदर टेम्पल आपका कहाँ पर है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और टेंपल माउंट आपका कहाँ पे है, ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो ये आपका जेरूसलम, जेरूसलम कहाँ कहाँ पे है? ये इसराइल की कैपिटल है, इसराइल की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 2, टू विच कंट्री डज द फ्लैग शोन इन पिक्चर बिलोंग। ये पिक्चर किस कंट्री का है, किस फ्लैग, किस कंट्री के फ्लैग, मतलब कि ये जो फ्लैग है ये किस देश का है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये है दोस्तों आपका अफगानिस्तान का। अब देखिए अफगानिस्तान का नाम बदल चुका है, इसका नाम हो गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान। ये नाम इसका हो चुका है। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल है। भूटान की क्या है? थिम्पू। बांग्लादेश की क्या है? ढाका। ब्राज़ील की क्या है? ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज ऑफ इंडिया। तो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर ब्रिज, देखिए रिवर ब्रिज आपसे पूछा है कि नदी के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है सबसे लंबा कौन सा है, तो यह है आपका क्या, ढोला सादिया ब्रिज। ये कहाँ पे है? आपका असम में है और इसकी जो लेंथ है वो है 9.15 किलोमीटर। और ये किस नदी पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। चलिए महात्मा गांधी सेतु आपका कहाँ पे है? ये बिहार में है, पटना में। और हावड़ा ब्रिज आपको पता है ये कहाँ पे है, आपका कोलकाता में है। और बांद्रा वर्सोई ली सीलिंग, अब इसका नाम वीर सावरकर सेतु रख दिया गया है और ये कहाँ पे है? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ केन्या। केन्या की करेंसी क्या है, ये आपसे पूछी गई है। तो ये है आपका शिलिंग। केन्या की कैपिटल क्या है? नैरोबी, नैरोबी। डॉलर कहाँ की है? अमेरिका, यूएस की। यूरो आपके कहाँ पे? यूरोपियन कंट्रीज़ की। और रूबेल आपकी कहाँ की है? रशिया की। रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को। विच कंट्री इन्होंने रेनबो नेशन, रेनबो नेशन के नाम से किस कंट्री को हम जानते हैं, तो ये है आपका साउथ अफ्रीका। कौन है? साउथ अफ्रीका। चलिए पेरू की कैपिटल क्या है? लीमा। और इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कैरियो। ऑस्ट्रेलिया की क्या है? कैनबरा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग वंडर्स ऑफ वर्ल्ड वॉज डिस्कवर्ड बाई द स्विस एक्सप्लोरर। स्विस का मतलब होता है स्विट्जरलैंड के जो एक्सप्लोरर थे उन्होंने क्या खोजा था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका नाम है पेट्रा। क्या नाम है? पेट्रा। अब देखिए जो माकू पिच्चू है ये आपका कहाँ पे? पेरू कंट्री में। और हैंगिंग गार्डन्स ऑफ बेबीलोन ये कहाँ पे है आपका? इराक में। और लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंडर कहाँ पे? ये भी आपका है इजिप्ट में। नेक्स्ट है देखिए, ये जिस बच्चे ने फोटो भेजी है स्कैन करके वो ऐसा ही भेजा है तो ये क्लियर नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। पीपल नेटिव टू नीदरलैंड, तो नीदरलैंड को हम आज के टाइम में क्या कहते हैं? नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम। और इन्हें पहले हम कहते थे डच। क्या कहते थे? डच कहते थे। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो ये है दोस्तों आपका क्या, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, क्रिश्चियंस लोग सबसे ज़्यादा हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द मैन इन द गिवन पिक्चर पिक्चर वॉज अ वेरी टैलेंटेड अमेरिकन हु इज़ बेस्ट नोन फॉर द क्रिएटर ऑफ मिकी माउस। इन्होंने मिकी माउस को इन्वेंट किया, इसके क्रिएटर थे। ही मेड मेनी एनिमेटेड फिल्म, इन्होंने बहुत ही एनिमेटेड फिल्म बनाई,
जैसे कि स्लीपिंग ब्यूटी इज आल्सो वन द मेनी अवार्ड्स आइडेंटिफाई। ये कौन है? तो ये है आपके वॉल्ट डिज्नी। कौन है? वॉल्ट डिज्नी। क्वेश्चन नंबर 10, द गिवन पिक्चर द ब्यूटिफुल प्लेस सिचुएटेड हाई एट द तिब्बतन प्लेटू। तिब्बतन प्लेटू दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेटू है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये हिमालय रेंज में है। इट वॉज द होम ऑफ द दलाई लामा। जो दलाई लामा है उनका ये घर है, जो 14th दलाई लामा है। और जो अब कहाँ पर रहते हैं? इंडिया में रहते हैं। क्यों इंडिया में रहते हैं? क्योंकि जो तिब्बत कंट्री है ना, तिब्बत की कैपिटल क्या थी? ल्हासा। और ल्हासा को अब किसने कब्जा कर लिया? चाइना ने। चाइना ने कब्जा कर लिया। तो यहाँ से जो दलाई लामा थे ये भाग के कहाँ चले आए? हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में ये रहते हैं। और देखिए, जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में सबसे बड़ा किसे माना जाता है? दलाई लामा को माना जाता है। और इस जगह को हम क्या कहते हैं? इस जगह को हम कहते हैं पोटाला हाउस। पोटाला हाउस। और देखिए, अभी जो 14th दलाई लामा है ना, इनका ओरिजिनल नेम क्या है? तेंजिंग गोट्सो। क्या नाम है? तेंजिंग गोट्सो। बकिंगम पैलेस आपका कहाँ पे है? यूनाइटेड किंगडम में। व्हाइट हाउस आपका कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। और जहाँ पे अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो वाशिंगटन डीसी मतलब व्हाइट हाउस में रहता है। और क्रेमलिन, क्रेमलिन आपका कहाँ पे है? ये जो रशिया के हैं, रशिया के कौन प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और ये रहते हैं क्रेमलिन हाउस में। और बकिंगम में कौन रहता है? आपके वहाँ के प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट रहते हैं या प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा कौन रहता है बकिंगम पैलेस में। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज प्रेजेंट ऑन नेशनल एम्बलम इंडिया। तो नेशनल एम्बलम जो इंडिया है, जो अशोक सिंह बना हुआ है, उस पर कौन सा आपका एनिमल है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये है आपका बुल। हॉर्स भी होता है इस पर, ये भी ध्यान रखेंगे। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना? अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनो आयरस। ब्राजीलिया किसकी है? ब्राज़ील की। और सेंटियागो किसकी है? चिले की। चिले की। और ये जो लॉस ग्लैरिस ग्लेसियरस है ना, ये आपका अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना के पास में है ये, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, द बर्ड ईमू सोन इन द पिक्चर द नेशनल बर्ड ऑफ द ईमू। किस कंट्री का नेशनल बर्ड है ये आपको बताना है। तो ये है दोस्तों आपका कहाँ का? तो ये है आपका ऑस्ट्रेलिया का। क्वेश्चन 14, दिस इज इंडियन स्टेट यूनियन टेरेटरी वॉज पुर्तगीज कॉलोनी 1961। तो 1961 तक पुर्तगीज यहाँ पे रहे, जब हमारा देश 1947 से आज़ाद हो गया उसके बाद भी। तो ये कौन सा जगह है? तो ये आपका गोवा। क्वेश्चन 15, ही वॉज पश्तून इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट अगेंस्ट द रूल ऑफ ब्रिटिश राज। ही वॉज पॉलिटिशियन एंड स्पिरिचुअल लीडर नोन एज फॉर द नॉन वायलेंट अपोजिशन एंड क्लोज फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी विच अर्नड हिम निक नेम फ्रंटियर गांधी। हु वॉज ही? देखिए, फ्रंटियर गांधी के नाम से हम किसे जानते? खान अब्दुल गफ्फार खान को। और ये 1929 यानी कि जब आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो यहाँ पे इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था जिसका नाम था रेड शर्ट्स, ठीक है, लाहौर वाले रीजन में ये अपना आंदोलन कर रहे थे, रेड शर्ट्स के नाम से भी जानते थे इन्हें, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, लॉर्ड महावीरा वॉज बॉर्न इन द प्रेजेंट डे स्टेट। तो लॉर्ड जो महावीर थे, जो जैन धर्म के 24th क्या थे, इंग्लिश में नहीं पता, प्रवर्तक जिसे बोलते हैं, और पहले कौन थे? ऋषभदेव। और इनसे पहले कौन थे? पार्श्वनाथ। तो 23 नंबर पे थे पार्श्वनाथ। अब यहाँ पे जो महावीर थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ पे हुआ था? बिहार में। बिहार के कहाँ? तो बिहार के नालंदा, एक जगह है कुंडलवन। कुंडलवन बिहार में कहाँ पे? नालंदा में। नालंदा में तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और इनका डेड, ये इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ये भी आपकी हुई थी पावापुरी। पावापुरी, पावापुरी कहाँ पे? ये भी आपका बिहार में है, नालंदा में ही। अब देखिए, यहाँ पे इनके जो पिता थे, इनके फादर का नाम क्या था? इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इनकी माता का नाम था त्रिशला। त्रिशला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच रिलीजन हैज़ सिनागॉग एट द प्लेस ऑफ वर्शिप। सिनागॉग में कौन वर्शिप करता है, कौन पूजा करता था? तो ये है जूडिज़्म। कौन है? जूडिज़्म। विच आर द फॉलोइंग नोन एज द डेविल नेक। डेविल नेक के बारे में हम किससे जानते हैं? तो हम जानते हैं करा इस्थुमस को। तो करा इस्थुमस कहाँ पे? तो ये है आपका गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास। गल्फ ऑफ थाईलैंड के पास। और थाईलैंड की कैपिटल क्या है? बैंकॉक।
बैंकॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है, हमारी अर्थ है या आपकी क्या है, इक्वेटर लाइन, और यहाँ पे जो 23.5 डिग्री पे है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इधर नॉर्थ डायरेक्शन में होता है, साउथ डायरेक्शन में जो 23.5 डिग्री है इसे हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, और हिंदी में ये नॉर्थ वाले को कहते हैं कर्क रेखा। और कर्क रेखा क्या करती है, इंडिया को दो पार्ट में डिवाइड करती है, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। द एरिना शोज द गिवन पिक्चर ऑफ द रोम, ये रोम में है, रोम किसकी कैपिटल है, इटली की। बिल्ड द कंक्रीट एंड सैंड, ये कंक्रीट और सैंड का बना हुआ है। इट इज़ द लार्ज एम्पी थिएटर एवर बिल्ड, ये ऐसा एम्पी थिएटर है जो इतना बड़ा बना हुआ था। देयर दिस वॉज वेयर रोमन्स वेंट टू वॉच ग्लैडिएटर फाइट्स एंशिएंट टाइम, आइडेंटिफाई द दिस एरिना, ये क्या है, इस बिल्डिंग का नाम क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये है द कोलेजम, क्या है कोलेजम, ये कहाँ पे, इटली की कैपिटल रोम में। अब देखिए यहाँ पे लिखे नोट्रे डेम दे पेरिस, तो पेरिस लिखा ही है तो आपको पता है कहाँ पे होगा, पेरिस में, और पेरिस कहाँ पे है, फ्रांस की कैपिटल है, ख़त्म। हैगिया सोफिया, हैगिया सोफिया आपका कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों इस्तांबुल में, और इस्तांबुल किसकी कैपिटल है, तुर्की की, पहले इसका नाम तुर्की था अब इसका नाम हो गया तुर्की। नेक्स्ट है स्टोनहेंज, स्टोनहेंज आपको पता है अभी मैंने बताया, ये आपका कहाँ पे, यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस कंट्री को हम पहले एबिसिनिया के नाम से जानते थे, तो ये है आपका कैपिटल इथोपिया, और इथोपिया की कैपिटल क्या है, एडिस अबाबा, क्या नाम है, एडिस अबाबा। म्यांमार की कैपिटल क्या है, नेफिडाउ। बीजिंग किसकी कैपिटल है, चाइना की, और फ्रांस की कैपिटल क्या है आपका, पेरिस। चलिए अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, देखिए आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया किससे हम मैच करेंगे, तो ये आपके कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सेकंड नेम। गुरुदेव के नाम से किसे जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को, तीन नंबर। प्रिंस ऑफ कोलकाता के नाम से जानते हैं सौरभ गांगुली को, ये आगे फोर नंबर। और ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नेहरू जी, 2314, तो 2341, 2341 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है, देर इज द ग्रीन सेडर इन द सेंट्रल फ्लैग ऑफ लेबनान, तो ये बात भी ठीक है। मैपल लीफ द नेशनल सिंबल ऑफ कनाडा, ये भी ठीक है। वाइट स्टॉक द नेशनल बर्ड ऑफ ब्राज़ील, तो ये गलत है, वाइट स्टॉक नहीं है नेशनल बर्ड ब्राज़ील का, ब्राज़ील का जो बर्ड है, नेशनल बर्ड है उसका नाम क्या है, द रूफस बेलीड थ्रश, तो ये यहाँ पे गलत है। और रॉयल बंगाल टाइगर जो है वो नेशनल एनिमल है किसका, बांग्लादेश का, ये सही है। लेबनान की कैपिटल है बेरूत। क्वेश्चन नंबर 23, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सेक्रेट टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज्म त्रिपिटक, तो ये ठीक है। होली सिटी ऑफ क्रिश्चियंस इज मक्का, नहीं, मक्का किसका है, इस्लाम का, इस्लाम का। और ये जो क्रिश्चियन है इनका जो होली सिटी है वो आपका क्या है, जेरूसलम, और जेरूसलम आपका कहाँ पे है, इसराइल में, इसराइल की कैपिटल है। और एक चीज़ और बता दूँ, इसराइल में कैपिटल एक त्यौहार मनाया जाता है, हनुक्का फेस्टिवल, हनुक्का फेस्टिवल, ये कैसा फेस्टिवल है, ये दीपावली के जैसा ही फेस्टिवल है, तो यहाँ पे गलत क्या है, ऑप्शन नंबर बी। फाउंडर ऑफ जूडिज़्म कौन थे, अब्राहम थे, ये ठीक है। ये ठीक है, और सेक्रेट प्लेस बुद्धिस्ट का पवित्र स्थल स्तूप है, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन लिखा है कि इस ग्रिड में आपको क्या नहीं मिलेगा, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए साउथ करेंसी ऑफ साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है, रैंड, तो आपको यहाँ पर मिल गया। बी कैपिटल ऑफ केन्या, नैरोबी, तो नैरोबी आपका कहाँ पे है, ये भी है। नैरोबी कहाँ पे है,
देखिए नैरोबी यहाँ पे है, उसके बाद है आपके सामने करेंसी ऑफ चिले, चिले की कैपिटल क्या है, पीसो, पीसो आपका यहाँ पे है। अब देखिए तीन मिल गया तो आपका यही नहीं मिलेगा, नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड क्या होता है, कीवी, और कीवी कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, अनस्क्रैम्बल द गिवन लेटर, द नेम ऑफ कंट्री इज कॉल्ड सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड, सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड के नाम से हम जानते हैं क्यूबा को, तो क्यूबा आपका यहीं पे बनेगा ऑप्शन नंबर ए पे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ देखिए क्या है ना कि जो गूगल पे है, गूगल पे का नंबर क्यूआर कोड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अभी मुझे यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते, उतने पैसे नहीं मिलते, 2-3 महीने में मिलते हैं, तो मुझे भी पैसों की ज़रूरत होती है। ये बुक तो किसी ने भेज दी है लेकिन और बुक्स मुझे ही परचेज़ करनी पड़ती है, उसी से मुझे पढ़ाना भी पड़ता है, तो अगर आप कुछ हेल्प करेंगे मेरी तो वो ठीक रहेगा, अगर आप करते हैं तो, अपने इच्छा अनुसार करते हैं तो, नहीं करते हैं कोई बात नहीं है। और फिलहाल मैं पढ़ाता ही रहूँगा, जो भी थोड़ा बहुत मिलता है अपना काम चलता रहेगा, और अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, और इसके बाद मैं अपना क्यूआर कोड आपको दिखाऊंगा, तो वो आपके ऊपर है कि आप करते हैं नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो ये है दोस्तों मेरा क्यूआर कोड, आप इसे स्कैन करके जो भी पैसे सेंड करेंगे वो मेरे पास आते हैं, और साथ ही साथ देखिए जब मैं कोई पैसे मुझे देता है तो एक वीडियो में मैं सबसे पहले उसका नाम लेता हूँ और उसको थैंक यू भी बोलता हूँ, और उसका जो उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूट किया है वो जब तक ये वीडियो रहेगी, जब तक ये यूट्यूब रहेगा, तब तक उनका नाम यहाँ पे अमर रहेगा, ठीक है, इस वीडियो के साथ ही। तो फाइनली यहाँ पे वीडियो ख़त्म होता है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।